अजमेर के आदर्श नगर थाने में बैंक ऑफ बड़ौदा माखोपुरा ब्रांच प्रबंधन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की शिकायत में जुटी है। मामले की जानकारी देते हुए थाने के एएसआई भूरी सिंह ने बताया कि अजमेर के गुलाबबाड़ी निवासी दिग्विजय सिंह पुत्री स्वर्गीय किशन कुमार सिंह ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि उनके पिता द्वारा वर्ष 2016 में बैंक से 35 लाख रुपए का लोन लिया गया था, लेकिन इस बीच उनके पिताजी का देहांत हो गया और कोविड महामारी भी आ गई और वह लोन नहीं चुका पाए। लेकिन बैंक प्रबंधन ने उनकी बेशकीमती जमीन को कम कीमत में नीलाम कर दिया, जिसके कारण उन्हें काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में उन्होंने बैंक प्रबंधन पर इस मामले में धोखाधड़ी करने का मुकदमा दर्ज करवाते हुए कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज करते हुए जाँच शुरू कर दी है। जी सर, क्या मामला है और किसने दर्ज कराया? कल दिनांक 31/10/2023 को परिवादी श्री दिग्विजय सिंह सन ऑफ कृष्ण कुमार सिंह निवासी है ये गुलाबबाड़ी रहने वाला, मूल रूप से हरसोली गांव फुलेरा के पास का रहने वाला है गुलाबबाड़ी अजमेर ने हाजिर थाना होकर एक रिपोर्ट उपस्थित थानों के एक रिपोर्ट दर्ज करवाई कि वर्ष 2012 में मेरे पिताजी श्री कृष्ण कुमार सिंह ने बैंक ऑफ बड़ौदा माखूपुरा में जो स्थित है उससे 35 लाख का लोन लिया था और उक्त भूमि के डॉक्यूमेंट गिरवी बैंक में रखे थे। उसके बाद में कोरोना काल आ गया, उसके बाद परिवादी के पिता का देहांत हो गया। परिवादी के पिता का देहांत होने के बाद में परिवादी की संपत्ति पर किस्तें जमा नहीं कराने के कारण परिवादी की ज़मीन को बैंक द्वारा नीलाम कर दी गई। नीलाम कर दी गई तो उक्त बैंक द्वारा 35 लाख के 55 लाख रुपया करीब पैसे इकट्ठे हुए थे, तो जिसको नीलाम की तो 60 लाख रुपए में नीलाम कर दी, जबकि परिवादी का कहना है कि 2 करोड़ की ज़मीन थी, 2 करोड़ की ज़मीन थी जिसको 60 लाख में नीलाम कर दी, तो परिवादी के 5 लाख रुपए और निकलते थे। दोबारा बैंक ने उसी ज़मीन को 2020 में पुनः नोटिस भेजकर ये परिवादी को बताया कि आपके 73 लाख रुपए और निकलते हैं। तो इस प्रकार परिवादी की भूमि को दोबारा नीलाम कर 73 लाख और परिवादी के खाते में पैसे शेष होना बता दिया। इस कारण परिवादी ने उपस्थित होकर बैंक के खिलाफ ये धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया, जिस पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। धारा 420 120 भी आईपीसी में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। वास्तविकता का पता लगाकर अग्रिम अनुसंधान विधि सम्मत किया जाएगा।